नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशियस है, गणेश चतुर्थी का दिन है। तो आज के दिन एसपी राव सर ने स्पेशल मैसेज दिया है कि उनकी विशेष आपको कन्वे की जाए। तो उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे वेल्थ क्रिएशन टिप्स की प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एसपी राव सर कुछ दिनों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो तब तक ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आज हम दो बातें करेंगे। फर्स्ट फेस्टिवल गिफ्ट है एक आपके लिए एसपी राव सर की तरफ से, स्पेशली वो एक अपना शेयर का नाम जरूर लेते हैं इस फेस्टिवल पे, तो उन्होंने वो भी मुझे बोला है कि आपको बताने के लिए। सेकेंडली, जो हमारा यहाँ वीकली रिव्यू है। अब पहले हम मार्केट को समझते हैं। जैसे हमने लास्ट वीक समझा था वीकली रिव्यू में कि एक डोजी कैंडल डेली चार्ट पर बन चुकी थी, और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर उससे थोड़ा सा भी बाजार नीचे बंद होता है तो थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ आएगा। अब इस वीक में दो दिन के बाद वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ। इंडिया विक्स भी बढ़ी है, तो अब विक्स बढ़ने का मतलब है मोर वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी, और आप ये कह सकते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब है कि जो ट्रेडर है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कॉशियस हो रहे हैं। तो वो कॉशन डेफिनेटली हायर साइड के लिए तो नहीं है, लोअर साइड के लिए है। और वो विक्स का बढ़ना थोड़ा सा अपना जो हमारा अपवर्ड मूवमेंट है उसको पॉज की तरफ दिखाता है। अब जैसे हम चार्ट पर देखें, हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था कि ये वीकली कैंडल, वीकली क्लोज तो बहुत अच्छी हुई थी, बट वीक के लास्ट दिन वाली कैंडल ये डोजी बनी थी। और मैंने लास्ट दिन की वीडियो में भी बोला था कि इससे नीचे अगर कोई रेड कैंडल आ जाती है तो मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन बोल सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं। अब उसके बाद मंडे, इस वीक जो वीक खत्म हुआ है उसका फर्स्ट दिन जो था उसमें मार्केट ऊपर की तरफ गई, बट क्लोज बहुत ज्यादा दूर नहीं कर पाई, रेड कैंडल ही बनी। नेक्स्ट डे ट्यूजडे को भी वो मार्केट ने अपना बेरिश साइन दिखाया थोड़ा सा, और वेडनेसडे को मार्केट डाउन बंद हुई। हालांकि थोड़ा सा नीचे से उठकर बंद हुई थी, गैप डाउन खुली थी, बट मार्केट फिर सस्टेन कर गई। और ये गैप डाउन हुआ था, यूएस मार्केट का बड़ा फॉल आया था उस दिन, यूएस मार्केट काफी गिरी थी वहां पर। तो अब मार्केट यहाँ पर बुलिश मार्केट है, तो जब भी अगर मार्केट नीचे आएगी तो वो बाउंस जरूर लेती है। कभी भी जब मेजर स्ट्रेंथ हमारी, मेजर ट्रेंड हमारा स्ट्रेंथ में होता है, तो कोई चाहे नेगेटिव न्यूज आए, चाहे कोई डाउनवर्ड मूवमेंट भी आए, तो वो एकदम से मार्केट को डाउन नहीं लेकर जाती, वहां पर बाउंस बैक जरूर आता है। वो बाउंस आया बट क्लोज फिर बिलो हुई लास्ट डे के, थर्सडे को, और फ्राइडे को तो आप देख ही रहे हो कि जो भी हुआ मार्केट में। तो ये जो था पहला इंडिकेशन, ये आ चुका था जो मैंने आपको लास्ट वीकली रिव्यू में बोला था कि थोड़ा सा कॉशन अलर्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। सेकेंडली, मैंने बताया था कि फ्यूचर्स थोड़ा सा गैप में बंद हुए थे, कैश मार्केट अब नहीं जा पाई थी, तो मतलब वो एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो वो जब वहां पर बियर्स की शॉर्ट कवरिंग हो गई तो मार्केट को नीचे आने का मौका मिल गया। अब बात आती है वीकली चार्ट पर भी, अगर हम देखें तो इस बार की जो कैंडल है ये पूरी वीक की, लास्ट वीक के हाई लो से भी दूर बंद हुई है। मतलब जो ये वीक रहा वो प्रीवियस वीक के हाई को भी काटा और लो को भी काटा। ये एनगल्फिंग पैटर्न होता है, ये भी अच्छा सिग्नल नहीं है। मतलब मार्केट अब एकदम से बहुत ज्यादा तेजी की तरफ मुड़ जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और सितंबर मंथ कोई इवेंट का मंथ नहीं है, रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आने हैं, तो मार्केट के पास कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज भी नहीं है बायर्स के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन का सिनेरियो और मजबूत होता बन रहा है। ये वीकली कैंडल भी बहुत स्ट्रांग नहीं आई है, तो इन दोनों को अगर हम कंसिडर करें तो अभी थोड़ा सा वीक ट्रेंड रह सकता है। अब बात आती है कि मार्केट कहां तक जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी जो पहली सपोर्ट जो मार्केट की थी वो तो उसने ली है, 25,800 की, 820 की सपोर्ट थी वो मार्केट ने ली है। नेक्स्ट सपोर्ट अब जो बनेगी वो 550 के आसपास बनेगी। हो सकता है मार्केट गैप डाउन कर दे मंडे को, जैसे इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन है, या टाइम लगाए। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट डाउन टर्न का है वो 560-550 के बीच में है, वहां पर थोड़ी सी सपोर्ट रह सकती है। और अगर मार्केट वहां से भी गई तो 524,370 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाली है।
ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट एकदम गिरती जाएगी, बट करेक्शन है, जब तक बाइंग आएगी टाइम लगेगा उसको रिवर्सल में, क्योंकि विक्स बड़ी है, विक्स का बढ़ना अपने आप इंडिकेशन है कि मार्केट जल्दी रिवर्सल शायद ना ले या वॉलेटाइल बहुत ज्यादा हो जाए। तो ये तो हमारा वीकली रिव्यू की बात रही कि हमने जो बात की कि ओवरऑल अब हमें जो सेंटिमेंट लग रहा है वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड लग रहा है। अब मैं विक्स को का भी आपको चार्ट दिखाऊं तो देखो कैसे बढ़ा है एकदम से। इसको मैं कैंडल पे कर देता हूं और ये वीक का अगर मैं कार्ट कर दूं, ये देखिए ये इंडिया विक्स की कैंडल बहुत स्ट्रांग आई है और लास्ट 2 वीक की कैंडल के हाई से ऊपर बंद हो रही है, और प्रीवियस ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स के लेवल पर, हाई लेवल पर विक्स आई है। यहां पर ये लेवल जून में आए थे इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले जो इंडिया विक्स की क्लोज थी वो 1688 थी, उसके बाद जब रिजल्ट आ गए तो वो डाउन हुई एकदम से। और जून के बाद अगर मैं कहूं तो हाईएस्ट क्लोज 15.33 इंडिया विक्स की थी अगस्त में, वो था इजराइल और ईरान वॉर का डेंजर के कारण जब मार्केट गिरी थी। तो उस लेवल के आसपास विक्स आ चुकी है, मतलब विक्स का बढ़ना पहला इंडिकेशन है कि मार्केट में तेजी जल्दी शायद ना लौटे, थोड़ा सा मार्केट पॉज ले। तो आप जो भी अपनी बाइंग वेट कर रहे थे करेक्शन की, तो थोड़ा सा और करेक्शन आने दो और आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आज की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करें तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू है। आप नया बाइंग करने की कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम दें, मार्केट और नीचे आएगी तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी का मौका जरूर मिलेगा, जिस तरह से इंडिकेशन मिल रहा है। नेक्स्ट, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो कॉशियस हो जाएं, वॉलेटिलिटी बहुत रहने वाली है, तो कमाने का भी मौका है और जाने का भी मौका है, दोनों चीजों की बात हो रही है यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो हमारा अब नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ 24,550-560 की रेंज है, फिर 370 की रेंज है, और 300 मतलब 24,370 से 300 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाली है। ऊपर की तरफ मैं कहूं तो 225,000 अपने आप में एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, अगर उसको पार कर भी जाता है अपवर्ड तो 25,080 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा, जहां से ऊपर को मार्केट को ले जाने के लिए बहुत फोर्स चाहिए होगी। तो मान लें कि अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं आती, वापस जानी शुरू हो जाती है, तो ऊपर 25,080 भी एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा, और उसके बाद फिर 260 की रेट आएगा जो वो अगेन दोबारा से वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी। तो आप इन लेवल्स को कंसिडर कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जो फेस्टिवल गिफ्ट है राव सर की तरफ से आपके लिए स्पेशली, वो है सिप्ला कंपनी। राव सर ने स्पेशली मुझे बोला था कि आपने ये सिप्ला मेरी तरफ से रिकमेंड करना है। एनुअल रिटर्न 20 से 30% हम उम्मीद कर रहे हैं इसमें, तो सिप्ला एक अच्छी बेट हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अभी लें, थोड़ा थोड़ा लें, करेक्शन आने पे लें, बट एक ये स्ट्रॉन्ग शेयर उनकी तरफ से आपको आज फेस्टिवल गिफ्ट है। 20-30% राइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस शेयर में। अभी करंट लेवल है इसके 1611, ऑल टाइम हाई 1681 है, तो अप्रोक्सीमेटली 4% अपने हाई से ये नीचे है अभी, तो ये शेयर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेट रह सकता है आने वाले टाइम में। तो ये उनकी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, दोबारा जल्दी ही मिलेंगे, राव सर भी वीडियो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।